हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल में। तो आज जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ बहुत ही ख़ास है, और आप लोग इसे देखिए अच्छा से और ज़रूर सीखिए। ये देखिए आज मैं क्या बना रही हूँ, एक पॉकेट बना रही हूँ। तो ये पॉकेट बना रही हूँ कैसे बना रही हूँ इसे आप ज़रूर देखिए। तो मैंने एक सर्कल बनाया और सर्कल में क्या करूँगी, 10 बार डबल क्रोशिया बना दूँगी। ये मैंने 10 बार डबल क्रोशिया बना दिया है। अब इसको क्या करूँगी, इस तरह से खींच के इसे इसमें अटैच कर दूँगी। तो ये हमारा एक सर्कल बन के तैयार हो गया। अब इसी सर्कल में मैं सबसे पहले इसी में 4 बार दो चैन, फिर से इसी में 2 बार कॉर्नर निकाल दूंगी। ये देखिए हमारा एक कॉर्नर निकल गया, फिर 2 चैन दे करके एक छोड़ के इसमें 2 बार, फिर 2 चैन दे के फिर इसमें 2, 4 बार। इसी तरह से मैं ये जो हमारा है रो कंप्लीट करूंगी, माने मुझे 4 कोना निकालना है। तो ये मैं पूरा बनाकर आपको दिखा, तो इस तरह मैंने बना लिए हैं। अब क्या करना है, इसमें फिर से 3 चैन दे के 1, 2, इसमें फिर से मैं 4 बार बनाऊंगी, 2 चैन दे के फिर इसी में 4 बार। अब ये हमारा बढ़ता चला जाएगा, इसमें 2 बार, फिर 1 चैन देके इसमें 2 बार, फिर 1 चैन देके देखिए इसके ऊपर 4 बार, 2 बना के 2 चैन फिर 2। तो इस तरह से मैं इसे पॉकेट के साइज का बना लूंगी। तो मैं आगे दिखा रही हूँ आपको। तो ये देखिए हमारा ये पॉकेट बनके तैयार हो गया। 1 चैन लेकर के इसको इसमें सेलेक्ट कर दूंगी। तो ये हमारा पॉकेट बन गया। अब इसको क्या करूंगी, एक टी शर्ट में इसका 4 कोना निकला हुआ है, और एक यही बच्चे का कोई भी टी शर्ट में आप इसको यहाँ टी शर्ट को रखिए इस तरह से, और इसको बिल्कुल पॉकेट के सामने इस तरह से अटैच करते जाइए सुई धागे से, या इस तरह से आप इसे। मैं इसे पिनअप कर रही हूँ, आप इसे सिल लीजिएगा। बिल्कुल बराबर से इस तरह से, बहुत ही सुंदर लगेगा देखने में, क्योंकि आजकल तो फैशन का दौर है। तो फैशन के दौर में अपने हाथ से बनाइए और इसे देखिए खूबसूरत सा लगेगा इस तरह का पॉकेट। वीडियो पसंद आते ही वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। मैंने इसे येलो लिया है, आप इसे कोई भी कलर में बना सकते हैं। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।